जय भीम साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सम्यक इंडिया टीवी में। और आज हम हैं दिल्ली के सम्यक प्रकाशन, जो एशिया में जाना माना नाम है, पूरी दुनिया में जाना माना नाम है, लेकिन प्रकाशकों में जो अंबेडकरी साहित्य है, बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों का जो साहित्य है, हमारे महापुरुषों का जो साहित्य है, यहाँ बड़े ही लेवल पे किताबों का आपको एक मिश्रण मिलेगा। बहुत सारा साहित्य आपको यहाँ पढ़ने को, आप यहाँ पे आ सकते हैं, खरीद सकते हैं साहित्य से जुड़ी चीज़ों को, किताबों को। और अभी 7 जुलाई को आप सभी जानते होंगे, खबर होगी कि 5वां सम्यक साहित्य रत्न सम्मान होने जा रहा है। 7 जुलाई को रविवार का दिन है और 12 बजे से कार्यक्रम शुरू है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास ये पड़ता है। तो और आज हमारे साथ सम्यक प्रकाशन के व्यवस्थापक और संस्थापक आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी मौजूद हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या खास है सम्यक प्रकाशन का, जो ये 5वां सम्यक साहित्य रत्न सम्मान है, इसमें किस तरह का हमें जो सम्मिश्रण जो कार्यक्रम का देखने को मिलेगा, क्योंकि रंगारंग प्रस्तुतियां भी हैं जिसमें से एक प्रस्तुति मेरी भी रहेगी और आप सभी जानते हैं। और पंजाब से भी हमारे सतविंदर आजाद जी हैं, तरन्नुम बौद्ध जी हैं और बड़े बड़े लेखक बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात जो जानना चाहूँगा, अपनी बात रखना चाहूँगा आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी से कि सर क्या खास है इस सम्यक साहित्य रत्न सम्मान में। सबसे पहले तो मैं सम्यक इंडिया टीवी के लिए साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने एक लोक कल्याण की दृष्टि से जो कदम उठाया है वो हर दृष्टि से सराहनीय है। दूसरा ये है कि ये जो नाम है सम्यक, बड़ा प्रिय, मेरा स्वयं का पसंदीदा। सम्यक का मतलब होता है जो वास्तव में जैसी चीज़ होनी चाहिए वैसी, ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर ना बताया जाए, ज़्यादा घटा के ना बताया जाए, वास्तविकता को रखने वाला जो शब्द होता है वो। और इंडिया तो हमारा देश है ही, और जो टी वी शब्द है ना, मैं तो इसे भी बुद्धिस्ट शब्द कहता हूँ। टी का मतलब त्रिरत्न है और वी का मतलब बुद्ध, यानी कि विनायक है, विपसना है, विहार यानी कि बुद्ध विहार है। बड़ा अच्छा नाम सुना आपने हेमंत जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप सभी के मार्गदर्शन से, आप के मार्गदर्शन से हम सीख रहे हैं, धन्यवाद। अब हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, 7 जुलाई को संडे का दिन है, शाह ऑडिटोरियम में सिविल लाइंस में है। सिविल लाइंस का मतलब कश्मीर गेट बस अड्डे के बिल्कुल सामने पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरी साइड में जहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हमारे राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, उनका जहाँ निवास है उसके बिल्कुल नज़दीक है। जब आप वहाँ जाएंगे तो गुजरातियों का बहुत बड़ा वहाँ पर एक स्कूल है, उस स्कूल में ऑडिटोरियम भी है, वहीं पर स्टेडियम भी है, वहीं पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका गेस्ट हाउस भी है, तो उसी में शाह ऑडिटोरियम भी है। तो वहाँ हम मिलेंगे 7 तारीख को, मगर आना ना भूलना। 12 बजे अगर आप नहीं पहुँच पाए तो सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे हमें अंदाज़ा है, क्योंकि पुराने प्रोग्रामों में जो सीखा है वो आपको हम बता रहे हैं। हमने सम्यक प्रकाशन का जो कार्यक्रम आरंभ किया था, जब हम विदेशों में गए तो वहाँ जाकर पता चला कि समाज उत्थान में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसा जुनून सवार हुआ कि वहीं हमने ऑस्ट्रेलिया में किताब लिखनी आरंभ कर दी, भगवान बुद्ध की जीवनी, और इंडिया आते आते वो छोटी सी किताबें समाप्त भी कर दी। वो हमारी पहली किताब है लिखी हुई, यद्यपि 1965 से सम्यक प्रकाशन ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, मगर विधिवत से इसका काम 1997 में आरंभ किया। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था और जब मैंने नौकरी छोड़ी उस समय मैं गजेटेड पोस्ट पर था। नौकरी छोड़कर प्रकाशन के कार्य में इसलिए आया कि नेता बिकते हों, बिक जाएं, नेता दगाबाज होते हों, हो जाएं, मगर साहित्य पढ़कर जो समाज तैयार होता है वो अपने महापुरुषों के प्रति हमेशा जिम्मेदार रहता है, उनके प्रति तत्पर रहता है, उनके विचारधारा को फैलाने के लिए प्रतिबद्धता से जुटा रहता है। इस भावना को लेकर हमने ये सम्यक प्रकाशन की स्थापना की थी। आज सम्यक प्रकाशन द्वारा 2000 से ज़्यादा ग्रंथ छापे जा चुके हैं, 14 भाषाएं हैं जिनमें हम छाप रहे हैं, सबसे आखिर में नेपाली भाषा में हमने छापना शुरू किया है और अभी और भी भाषाओं में छापेंगे। करीब 450 लेखक हमारे सामने, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके समर्पण भाव से ये समय प्रकाशन यहाँ तक पहुँचा है। अनुवादक की भी गिनती बहुत बड़ी है, मगर हम फिलहाल 40 लेखकों को, जो योग्य लेखक हैं और सम्मान करने योग्य लेखक हैं, और अपने 10 अनुवादकों को
उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, जो सम्मान का नाम है सम्यक साहित्य रत्न सम्मान, मगर अनुवादकों के लिए जो नाम है वो थोड़ा सा डिफर है, उसका नाम है आचार्य कुमार जीव सम्यक साहित्य रत्न सम्मान। ये कुमार जीव कौन थे? आम आदमी नहीं जानते कुमार जीव कौन थे। कुमार जीव बहुत बड़े विद्वान बौद्ध भिक्खु थे, नालंदा से उनका संबंध है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी, महाविहार से भी उनका संबंध है। वो दुनिया के पहले ट्रांसलेटर माने गए हैं, दुनिया के पहले ट्रांसलेटर, और गर्व की बात यह है कि वो बौद्ध थे, बौद्ध भिक्खु थे। इसलिए हम अपने अनुवादकों को, अपने जो एक बहुत समर्थ अनुवादक हैं भाई प्रभाकर गजबीय जी, उनके परामर्श पे हमने अनुवादकों के लिए जो सम्मान दे रहे हैं उसका नाम आचार्य कुमार जीव सम्यक साहित्य रत्न सम्मान है। साथियों, बड़ी लंबी यात्रा हमने तय की है, हम 1997 से विधिवत रूप से इस काम में लगे हैं, और एक बार जब हम 2002 में पहली बार अपना वर्ल्ड बुक फेयर में गए थे तो हम ये सोच कर गए थे कि लोग हमारी किताबों को देखकर नाक मुंह चढ़ाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, निरुत्साहित करने का काम करते हैं, तो चलो चलते हैं, एक बार पिटाई भी खाते हैं। हमने धक्के तो बहुत खाए, हमने चलो आज थोड़ा पिटाई भी खाएंगे सोच के गए थे, मगर आज स्थिति ये बनी सम्यक प्रकाशन की अपनी पता नहीं क्या वानगी है कि वहाँ हमें दो बार सम्मानित किया जा चुका है। हम साहित्य के माध्यम से समाज को संगठित करने निकले हैं, हम समाज के माध्यम से अपने इस देश का जितना भी पिछड़ा समाज है, दलित अछूत समाज है, आदिवासी समाज है, यानी कि जो बहुजन समाज है, उनके उनके गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए, उससे परिचित कराने के लिए, और उनके प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए, ईमानदारी से उनके रास्ते पर चलने के लिए तैयार करने के लिए सम्यक प्रकाशन प्रयासरत है। और आप उस दिन देखेंगे ना केवल साहित्यकारों का सम्मान होगा, उनके विचार भी सुनने को मिलेंगे, ना केवल साहित्यिक वानगी आपको देखने को मिलेगी, वैचारिक की देखने को मिलेगी, अपितु ज्ञान रंजन का भी पूरा इंतजाम है। रंगारंग कार्यक्रम हमारे दिल्ली के जो दो बहुत होनहार कलाकार हैं, हमारी बिटिया तरन्नुम बोध और हेमंत बोध, जिनका नाम टी सीरीज दोनों कलाकार हैं, जिनका नाम आज दुनिया के परिचय का मोहताज नहीं है, और एक बहुत सीनियर गायक है पंजाब के हैं सतविंदर सिंह आज़ाद, वो आज़ाद की आज़ाद वाणी आप जब सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे। उनके एक एक शब्द से ज्ञान टपकता है, उनके एक एक शब्द से प्रेरणा मिलती है, उनके एक एक शब्द से आगे बढ़ने का उत्साह पैदा होता है। ये उस दिन की वानगी है, उस दिन आप आइए, निवेदन है कि सफ़ेद कपड़ों में आइए, क्योंकि बौद्धों का ये सफ़ेद जो वस्त्र है उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए और भिक्खुओं के लिए काषाय वस्त्र है, वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप आइए। शाम का भोजन भी हम साथ साथ ही करेंगे और जो आपको देखेंगे, ये हैं वो हमारे 50 अनुवादक और होनहार कला लेखक गण जो वहाँ पर सम्मानित होंगे, और ये हमारे वो विद्वान सम्मानित लेखक हैं जो पहले सम्मानित किए जा चुके हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी संयुक्त विरासत, जितने भी इस देश के बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं इसमें। मैं ये भी देख रहा था, पढ़ रहा था अभी इस इनविटेशन में, कि कार्यक्रम का जो विधिवत भीमारंभ है ये पूज्य बनते विमल कीर्ति जी द्वारा होगा। पूज्य बनते विमल कीर्ति जी पूना से आ रहे हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, विद्वान बनते हैं, उनके माध्यम से होगा कार्यक्रम। 12 बजे शुरू हो जाएगा, लेट हो जाएंगे तो ये शिकायत मत करना कि हमें सीट नहीं मिली। और शाह ऑडिटोरियम, फिर बता रहा हूँ, 7 जुलाई संडे का दिन है, कश्मीरी गेट बस स्टैंड के बस अड्डे के सामने पड़ता है, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, और किसी से भी आप पूछेंगे वहाँ बता देंगे कि शाह ऑडिटोरियम कहाँ है, तो आइए वहाँ पर मिलते हैं, और अपने मित्रों के साथ आना, परिवार के साथ आना, और फिर वहाँ जो जो कुछ आपने सीखा वो फिर अपने लोगों को बताना, समाज को बताना, मित्रों को बताना, पड़ोसी को बताना, रिश्तेदारों को बताना। तो चलिए आइए, मिलते हैं 7 तारीख को शाह ऑडिटोरियम 12 बजे। इन्हीं शब्दों के साथ सम्यक इंडिया टीवी का धन्यवाद, और आप सबके लिए भी बहुत बहुत अभिवादनम। जय भीम, नमो बोधस, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी का। तो मिलते हैं 7 जुलाई को। जय भीम, जय भारत।